कि आयतुल्ला बहजत भी फरमाते थे कि जाहिरी और बातिनी पस्तियों से निकलने के लिए नमाज शब की पाबंदी कर, ये बाकायदा कुंजी है इस काम के लिए। नमाज शब अगर कोई बिल्कुल पढ़ने के आदि नहीं है तो एक रकत से ही नमाज वेतर पढ़ने ही से ही अपनी इब्तदा करे, और उसके बाद नमाज शफा और वितर जो है वो अगर पढ़े 3 रकात, फिर उसके बाद 8 रकात कर दे, फिर पूरी 11 रकातें पढ़ने लगे तो इस तरह से भी मुमकिन है। तो इससे क्या होता है कि एक तो पिछली सारी बुराइयां खत्म होती चली जाती, हैं, बल्कि बुराइयां नेकियों के अंदर बदलने लगती। कुरान की आयात भी युबद्दिलुल्लाहु सय्यातिहिम हसनात, परवरदिगार आलम उसकी बुराइयों को नेकियों के अंदर तब्दील करने लगता है। तो इंसान को चाहिए कि नेकियां जो हैं इस तरह से बुराइयों को खत्म करती हैं, और ये मोमिन की जो नमाज शब है ये भी गुनाहों को खत्म करती चली जाती। तो जब गुनाह खत्म होते चले जाएंगे और उसकी जगह नेकियां लेने लगेंगी तो ये खुद ब खुद तहजीब नफ्स उसके अंदर आती चली जाएगी। तो नमाज शब की लाजमी पाबंदी करना है, इससे बचने का कोई तरीकेकार ना ढूंढिए, इसके बगैर जिंदगी ना गुजारें वरना इल्म हासिल नहीं होगा। अलबत्ता ये भी दिमाग में रहे कि झूठ बोलने से नमाज शब की तौफीक खत्म होती है, जितना अपने आप को झूठ बोलने से बचाएंगे उतना ज्यादा आपको नमाज शब की तौफीक हासिल होगी। तो बहुत से उलमा तो हमारे यहां तक इस बात को कहते रहे हैं कि आज तक कोई भी शख्स नमाज शब और सहर खेजी यानी नमाज फजर से पहले उठकर इबादत के अंदर अपने वक्त को लगाना, आज तक कोई भी शख्स जिसने कोई बुलंद मुकाम रूहानी हासिल किया है इन दो चीजों के बगैर हासिल नहीं कर सका, या नमाज शब की पाबंदी किए बगैर और सहर खेजी की पाबंदी किए बगैर कोई शख्स किसी बड़े रूहानी मुकाम तक पहुंच ही नहीं सका है जब तक ये दो चीजें उसके पास ना हो, ख्वाह वो कितना ही मेहनती और काबिल क्यों ना। यही वजह है कि हमारे जो उलमा उनके वाकयात में भी मिलता है, आयतुल्ला सैयद मोहम्मद हसैन नजफी कोचानी फरमाते हैं कि इस्फहान के मदरसे में तालिब इल्मों के जो हुजरे थे वो आपस में मिले होते थे, तो कह रहे हैं हम ताकचों में सुराख करके रस्सी के सिरे अपने पांव पे बांध लेते थे एक दूसरे के, कि जिसकी भी आंख खुल जाए वो रस्सी खींचकर दूसरे साथी को नमाज शब के लिए बेदार कर दे। और ये काम इस वजह से होता कि ऐसा ना हो कि बहुत से देखिए नमाज शब का वक्त वसी होता है, कोई कभी उठ रहा है कोई कभी उठ रहा है, जिस किसी को नहीं भी पढ़नी है मसलन, तब भी क्या है कि ऐसा ना हो कि आप कहेंगे भाई नमाज शब का टाइम हो गया और पूरी दुनिया को आप उठा रहे हैं और एक शोर हंगामा मचाया हुआ है। नहीं, हर शख्स का एक इंडिविजुअल ये वाला मामला है एक तालिब इल्म एक दूसरे को उठाने के लिए, ताकि दूसरे तालिब इल्म डिस्टर्ब ना हो और रियाकारी वगैरह का जज्बा ना पैदा हो, वो अपने आप को इस तरह से उठाया करते थे नमाज शब के लिए। यही वजह है कि देखिए आज हम बैठ के इन उलमा का तस्करा कर रहे हैं, अगर ये सब बातें नहीं होती तो ये इनका कोई तस्करा भी नहीं होता, ये लोग जिंदा हैं जिस वजह से कि इन बातों का तस्करा आज हो रहा है और हमारे लिए एक नमूने अमल बने। तो इस लिहाज से नमाज शब जब भी, यही वजह है कि हमारे छठे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम कि नमाजे फरमाते थे कि नमाज शब का ना पढ़ने वाला ही हमारे शियों में से ही नहीं, लैसा मिन्ना मल्लम युसल्ले सलातल लैल। तो इसकी भी बड़ी ताकीद है, नमाज शब बिल्कुल फरामोश नहीं होनी चाहिए वरना तस्किया नफ्स हासिल नहीं हो सकेगा और कोई बड़े मुकाम तक नहीं पहुंचा जा सकता।